वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियडाइजेशन एंड डिफरेंस के बारे में, जो कि ऐसे लिखा गया है मिकाए मेडिक्स के द्वारा। एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप भी एमए इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेम के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हो, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था, जो था लिटरेरी मूवमेंट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन एंड डिफरेंस के बारे में, जो कि सेकंड टॉपिक है एमए इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 का। सबसे पहले बात करते हैं मिकाए मेडिक्स के बारे में, ये कौन है। तो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनका। ये एसोसिएट प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के। इसके अलावा ये चेयरमैन रहे हैं इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के, कहाँ पे, रीजेंट यूनिवर्सिटी वर्जीनिया यूएसए, यानी कि अमेरिका में एक प्रोफेसर रहे। इनकी बहुत फेमस बुक है फ्रैंक ओहारा एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सेइंग आई। ये इनकी बुक का नाम याद रखना, फ्रैंक ओहारा एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सेइंग आई, ये इनकी बुक का नाम है। इस बुक में ये फ्रैंक ओहारा की जो पोइट्री है ना, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उससे जुड़ी कुछ चीजें आपको बता दें, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडाइजेशन। देखो मैं आपको ना एक एक टर्म अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, और मैंने सारी चीजें हिंदी में भी लिख रखी हैं। अगर इंग्लिश में कुछ भी ना समझ आए, कोई वर्ड लगे कि यार ये वर्ड कहां से, क्योंकि आप सारे बच्चे एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के हो, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हो, कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हो, या फिर रेगुलर भी हो, तो कुछ वर्ड्स आपके लिए नए होते, तो इसलिए मैंने उन्हें हिंदी में भी लिखा है, ताकि अगर ना समझ आए तो हिंदी वाला देख लेना। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन का क्या मीनिंग है। पीरियडाइजेशन का मतलब क्या कि जो टाइम है, टाइम को अलग अलग पीरियड्स में बांटना, ठीक है, कि जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसे अलग अलग पीरियड्स में बांटना, कि पहले ये पीरियड आता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मुगल पीरियड कि नहीं, ऐसे हम देखते हैं मेडिवियल पीरियड, फिर हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। उसी तरीके से ये जो लिटरेचर है, लिटरेचर की हिस्ट्री को जब हम पीरियड्स में बांटते हैं, तो उसे पीरियडाइजेशन यहाँ पे कहा गया है। तो लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी हिस्ट्री जो लिटरेचर की हिस्ट्री है, और द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज ऑफन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पीरियड्स, एजेस एंड मूवमेंट्स। तो जब हमें ना लिटरेचर की हिस्ट्री को समझना है कि लिटरेचर कब से शुरू हुआ लिखना आज तक, तो इसके पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या पीरियड्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या मूवमेंट्स आए, तो उसी को पीरियडाइजेशन कहते हैं। तो हम इसे अलग अलग पीरियड्स में बांट लेते हैं, अलग अलग एजेस में बांट लेते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स में बांट लेते हैं, ताकि लिटरेचर की हिस्ट्री को हम अच्छे से समझ सके। अगला क्वेश्चन वही आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीरियडाइजेशन। हम पीरियडाइजेशन करते क्यों है, इसके पीछे पर्पस क्यों, क्या है हमारा उद्देश्य, क्या है, क्यों पीरियडाइजेशन हमें करना है। तो पॉइंट नंबर, देखो मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये चीजें लिख सको। तो ये क्वेश्चन आए तो यही आंसर आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, या तो आप यहाँ से पीडीएफ से देख के लिख लेना। अगर पीडीएफ से ना लिखा जाए ना, तो आपको मैं बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते। देखो यहाँ पे ये नंबर गिवन है ना स्क्रीन के ऊपर, 7986836931। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसी को देख के बस आपको लर्न करके एग्जामिनेशन में लिख देना है, ओके। इसके अलावा अगर आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप नहीं डाउनलोड किया, तो अमन पाठशाला नाम से हमारा ऐप भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीरियडाइजेशन का पर्पस क्या है, सच डिवीजन यानी कि पीरियडाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन एनेबल्स द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कन्वीनियंटली। तो ये डिवीजन, ये पीरियडाइजेशन क्यों है, ताकि जो रीडर्स हैं, आप और मेरे जैसे पढ़ने वाले लोग हैं जो रीड करते हैं इन चीजों को, तो हम लिटरेचर की हिस्ट्री को कन्वीनियंटली अच्छे से समझ सके। हिस्ट्री पहले 10 साल, पहले 100 साल कैसी थी, बाद में अगले 100 साल में क्या हुआ, इस तरीके से हम उसे चीजों को बांट के समझ सके। पीरियडाइजेशन इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। अगर हमें ये समझना है कि लिटरेचर किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कब इसे लिखना शुरू किया गया, कैसे लिखना शुरू किया गया, किस टाइम पीरियड में कैसे लिख रहे थे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, पहले पोइट्री लिखी जाती थी, नॉवल्स लिखे जाने शुरू हो गए, ड्रामा लिखना शुरू हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको एवोल्यूशन समझना है लिटरेचर की हिस्ट्री का, तो आपको फिर पीरियडाइजेशन को समझना होगा। लिटरेरी पीरियड्स ऑल्सो प्रोवाइड अ फिक्शनल होमोजीनियस स्टाइल अगेंस्ट विच कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स कैन बी कंपेयर्ड। वो कह रहे हैं कि
तो पहले तो एक वर्ड है होमोजीनस, है ना। होमोजीनस ये वर्ड है ना, तो होमोजीनस वर्ड का मतलब क्या होता है, जब चीजें एक जैसी होती है उसे कहते हैं होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस। तो ये कह रहे हैं कि स्टाइल, होमोजीनस स्टाइल की बात की, तो कुछ लोगों के आप कह लो कि जो लिटरेरी पर्सन है उनके लिखने के स्टाइल एक जैसे होंगे, तो उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज है ना, होमोजीनसनेस है, वो हमें फिर यहां से पीरियडाइजेशन से समझ आती है। बल्कि पीरियड इसी चीज पर बेस्ड होता है कि जब एक जैसे लोग एक जैसे स्टाइल में लिखते हैं तो हम फिर उसे एक पीरियड कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये एक पीरियड है जहां पे लोग एक जैसा लिख रहे थे, तो आप इसे दूसरे के साथ, दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर करके और अच्छे से लिटरेचर को समझ सकते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। ये तो है ही, हम स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है, हम तभी लिटरेचर की हिस्ट्री को समझ पाएंगे अगर हमने उसे पीरियड्स में बांट के समझा। ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लेना, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेरी हिस्ट्री में अलग अलग कौन कौन से पीरियड्स अभी तक हुए हैं, तो एक पीरियड है रेनेसांस जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, एलिजा, एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन पीरियड, रिस्टोरेशन, ऑगस्टन एज, रोमेंटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या फिर मॉडर्न पीरियड, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए तो ये सारे नाम आप लोग लिख देना कि ये सारे पीरियड्स हैं। इसके अलावा पीरियड्स, ये तो आप कह लो कि पीरियड्स को डिवाइड करने का एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे डिवाइड किया। कुछ अलग स्कॉलर्स हैं जो पीरियड्स को इस तरीके से डिवाइड करते, वो कहने पहला पीरियड था मेटाफिजिकल, दूसरा था सिंबलिस्ट, तीसरा था एब्सर्डिस्ट, फिर उसके बाद था सियोरलिस्ट, फिर डेडिस्ट, फिर इमेजिनिज्म। तो ऐसे भी इसे डिवाइड किया जाता है, तो दोनों तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है। ये दोनों नाम आप याद रख सकते हो, मतलब ये लिटरेरी हिस्ट्री के पीरियड्स हैं। कुछ ये जो ऊपर वाले रेनेसेंस वाले इस तरीके से डिवाइड करते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये मेटाफिजिकल वाली जो लिस्ट है इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब ये आते हैं मिकाय मैटिक्स के ऊपर, ठीक है। सो ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ लिटरेचर। तो पहली बात तो ये निकल कर आई कि मिकाय मैटिक्स क्या इस पीरियडाइजेशन के पक्ष में थे, सपोर्ट में थे, क्या वो कह रहे थे पीरियडाइजेशन सही है? नहीं, मिकाय मैटिक्स कहते थे ये पीरियडाइजेशन जैसी चीज गलत है, वो इसे क्रिटिसाइज करते हैं। ही क्वेश्चंस द टेंडेंसी और स्ट्रेटेजी ऑफ लिटरेरी हिस्टोरियंस टू डिवाइड लिटरेचर इनटू डिफरेंट पीरियड्स विदाउट अ क्लियर कट मेथड। ये बात है असली, वो कह रहे हैं कि जो लिटरेरी हिस्टोरियंस हैं जो ये पीरियड्स के बारे में लिखते हैं, जो रेनेसांस, ये एलिजाबेथन, ये सारी चीजें पीरियड, जिस जिस स्कॉलर्स ने कहा कि ये पीरियड है, वो कह रहे हैं कि आपके पास मेथड क्या है। मिकाय मैटिक्स कहते हैं कि आपके पास कोई क्लियर कट मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप ऐसे पीरियड्स को डिवाइड करते हो, बस आप अपनी मर्जी से पीरियड्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हो। क्या दो पीरियड्स में सच में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, वो कह रहे हैं ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। तो मिकाय मैटिक्स ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। और मिकाय मैटिक्स क्या क्या लिखते हैं, पहली बात उन्होंने कही देयर इज नो क्लियर कट मैथड, कोई क्लियर कट मैथड नहीं है पीरियडाइजेशन का, पहली तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है लिटरेरी स्टाइल्स डू नॉट डेवलप इन एंड आउट ऑफ डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स। वो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि आपने मान लो लिटरेरी पीरियड बता दिया कि पहले रेनेसांस, फिर एलिजाबेथन एज, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कह रहे हैं जरूरी थोड़ी कि लिटरेरी स्टाइल ऐसे डेवलप होंगे, हो सकता है कि रेनेसांस पीरियड में, ठीक है, रेनेसांस पीरियड में एक एक इंसान, एक स्कॉलर, एक आउथर, रेनेसांस पीरियड में एक आउथर ऐसा हो जो कि मॉडर्न स्टाइल से लिख रहा हो। वो कह रहा है ये भी हो सकता है कि नहीं। एलिजाबेथन एज में आपने कहा एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन पीरियड एक है, वो कह रहे हैं लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसी एज में सारे उसी एज के अकॉर्डिंग उसी स्टाइल में थोड़ी लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग लिख रहा हो, पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग लिख रहा हो। ऐसा नहीं होता कि अगर एक पीरियड है तो सारे वैसे लिखते हैं। फिर अ पर्टिकुलर स्टाइल कैन नॉट बी जस्ट एट्रीब्यूटेड टू वन पीरियड अलोन। और इसके बाद ये भी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टाइल है ना जो लिखने का, क्या सिर्फ वो एक ही पीरियड में लिखा जाता है? वो कह रहे हैं कई स्टाइल ऐसे हैं जो हर एक पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेरी हिस्टोरियंस हाउएवर ट्राई टू डू सो इन ऑर्डर टू जनरलाइज एंड असाइन पर्टिकुलर स्टाइल्स टू पर्टिकुलर पीरियड्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएट वन पीरियड फ्रॉम द अदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने कोशिश की है पीरियडाइजेशन करने की। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
परकिंस है एक स्कॉलर, परकिंस। देखो एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी जा सकती है कि परकिंस ने अमेरिकन पोएट्री को अलग अलग पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया। तो परकिंस डिवाइड्स द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पोएट्री फ्रॉम 1890s ऑनवर्ड्स इन फोर पीरियड्स। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, याद रखना ठीक है परकिंस के बारे में। तो परकिंस ने कहा कि अमेरिकन पोएट्री के चार पीरियड है। पहला अमेरिकन मिलो, दूसरा पॉपुलर मॉडर्निज्म, तीसरा हाई मॉडर्निज्म, चौथा पोस्ट मॉडर्निज्म। याद रखिएगा ये चारों चीजें बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। वो कह रहे ईच पोएट डिस्कस्ड बाय, अभी ये वाली बात क्या है जो यहाँ पे ये वाली बात है नीचे, ये रेड कलर में है ना, ये जो रेड कलर में है, परकिंस ने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बात खत्म हो गई। मिकाय मैटिक्स लिखते हैं यहाँ पे कि ईच पोएट डिस्कस्ड बाय परकिंस कवर्स मोर देन वन ऑफ दीज पीरियड्स। वो कह रहे हैं कि आपने पीरियड तो डिवाइड कर दिए, लेकिन कुछ, वो कह रहे हैं कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो अमेरिकन मिलो पीरियड में भी आते हैं, पॉपुलर मॉडर्निज्म में भी आते हैं, कुछ ऐसे हैं हाई मॉडर्निज्म में भी आते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सारे ओवरलैप करते जाएंगे तो पीरियडाइजेशन का मतलब क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंटली पीरियडाइजेशन इज नॉट लॉजिकल एंड रैशनल। वो कह रहे हैं ये कोई रैशनल या लॉजिकल चीज नहीं है, कोई क्लियर कट मेथड नहीं है, कोई रैशनल मेथड नहीं है, अपनी मर्जी से आप पीरियडाइजेशन करते रहते। कंक्लूजन, सो इट इज अ स्ट्रेटेजी, पीरियडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। पीरियडाइजेशन एक स्ट्रेटेजी है ऑफ हिस्टोरियंस टू डिवाइड लिटरेरी ऑथर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जब लिटरेरी हिस्टोरियंस अलग अलग कैटेगरीज में अगर डिवाइड करना चाहते हैं ऑथर्स को, तो वो लिटरेचर की अलग अलग पीरियड्स बनाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर पीरियड्स एंड एजेस। वो कह रहे हैं उन्होंने पीरियड्स और एजेस इसीलिए बनाए ताकि पीरियड और एज के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में उस हिस्टोरियन को फिर वो अच्छे से स्टडी कर पाए। बट द बाउंड्री लाइंस ऑफ दीज एजेस कन्वर्ज डाइवर्ज एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो आपने लाइनें बनाई है ना, मान लो आप कह दो कि 1890 से मॉडर्न पीरियड शुरू होता है, लेकिन वो कह रहे हैं ये लाइनें कुछ आप कह लो कि डाइवर्ज है, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्वर्ज है, कुछ आप कह लो ये साफ साफ लाइनें नहीं है कि एक दिन के बाद फिर अगला पीरियड शुरू, ऐसा कभी नहीं हुआ। पीरियड हमेशा क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये नाम भी आपने याद रखना है, मिचेल फूकू। मिचेल फूकू ने भी पीरियडाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा द पीरियड्स ओवरलैप और ऑल द टाइम। वो कह रहे हैं कि जो पीरियड्स है ना ओवरलैप करते हैं, कि एक पीरियड खत्म नहीं हुआ दूसरा उसके साथ ही बीच टाइम में ही शुरू हो जाता है, और एक ही टाइम पीरियड में दो दो तीन तीन पीरियड चलते हैं। वो कह रहे हैं कि इसे टाइम लाइन में हम बांट सकते ही नहीं है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि लिटरेचर इज अ डायनामिक सिस्टम। लिटरेचर एक डायनामिक सिस्टम है, यानी कि चेंज हो रहा है, तो आप उसे कभी पीरियड्स में बांट सकते ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर पल चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं कि एक पीरियड में एक जैसा रहेगा। ओके, सो आई गेस आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा, पीरियडाइजेशन एंड डिफरेंस का। फिर से एक बार कंक्लूड कर दू, पीरियडाइजेशन का मतलब क्या कि पूरा जो लिटरेचर की हिस्ट्री है उसे अलग अलग पीरियड्स में बांटना। ठीक है, बांटेंगे कैसे कि हम कहेंगे कि इस टाइम पीरियड में एक खास एक पर्टिकुलर स्टाइल से ही लिटरेरी पर्सन लिख रहे थे, तो ये एक पीरियड है, उसका बी पीरियड, सी पीरियड, डी पीरियड। मिकाय मैटिक्स ने क्या कहा कि ये पीरियडाइजेशन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पीरियड्स में बांटने का जो आपका तरीका है वो लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, आपके पास कोई क्लियर कट मेथड नहीं है कि बांटना कैसे है। ओके, सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अपना कमेंट भी लिख के मुझे बताना आपको वीडियो कैसे लगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर का, MA फर्स्ट सेम का डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।